भारतीय रेलवे माल गोदाम श्रमिक संघ जी एफ जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा जो है यहाँ पर डिमोटिवेट हो चुके हैं, और वे लोग जो है डायरेक्ट जो है यहाँ पे मनोरंजन सर को यहाँ पे निशाना बनाते हुए बोल रहे हैं कि उन्हीं के कारण जो है यहाँ पे ज्वाइनिंग नहीं हो पा रहा है। देखिए बस मैं आपको यहाँ पे स्पष्ट ये करा दूँ कि देखिए मनोरंजन सर और जो अरुण कुमार पासवान सर, ये काफ़ी ज़्यादा मात्रा में ये जो है मेहनत कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं। आपको पता है कि अपना खर्च लगा करके और इतना ज़्यादा दूर दूर तक ये लोग अपना खुद ट्रैवल कर रहे हैं और फ्रेंड्स यहाँ पे जो भी है प्रक्रिया कर रहे हैं। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे कहीं ना कहीं जो है सरकार की भी यहाँ पे नाकामी है। सरकार भी यहाँ पे शायद यहाँ पे चाहती तो यहाँ पे आज से 5 साल 10 साल पहले ही इसमें टोटल चीज़ यहाँ पे जो सरकारीकरण हो गया रहता, लेकिन फ्रेंड्स कहीं ना कहीं सरकार भी यहाँ पीछे छूट जाती है और सरकार भी शायद नहीं चाहती थी। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पे अभी जो है सरकार जो भी है सरकार के तरफ से यहाँ पे अभी जो है आप लोग भाषण सुनते हुए तो आप लोगों को पता होगा कि मनोरंजन सर खुद यहाँ पे बताए हुए थे कि सरकार के तरफ से यहाँ पे ये नोटिस आया हुआ है कि भाई साहब देखिए आप लोग जो है जितने भी माल गोदाम के जो भी डाटा है वो डाटा जो है आप लोग जो है मुझे सौंप दीजिए, उस डाटा को मैं जो है मतलब कलेक्ट करके आप लोग जो मुझे सौंपिए और उसके बाद हम लोग यहाँ जो भी टोटल प्रक्रिया है महासम्मेलन करके और यहाँ पे टोटल प्रक्रिया के जो भी है प्रोसेस हम लोग आगे बढ़ाएंगे। देखिए यहाँ पे बहुत से लोग कमेंट करते हैं कि सरकार और ये मनोरंजन सर, देखिए मैं बता दूँ कि यहाँ पे मनोरंजन सर तो अपना मेहनत कर ही रहे हैं और मैं ये बार बार बताते रहता हूँ कि फ्रेंड्स देखिए BRMGSS जो है ये कोई ये नहीं है, ये भी एक लड़ाई ही है। और लड़ाई में फ्रेंड्स अगर जीत होती है तो भाई ठीक है, जीत अगर नहीं होती है तो फिर यहाँ पर ज्वाइनिंग कोई ये नहीं हो सकता है। लेकिन फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे पॉजिटिव बात ये है कि सरकार अब चाहती है, सरकार ये चाह रही है कि आप लोग जो है मेरी जो भी यहाँ पे श्रमिक गण है, जो भी यहाँ पे डाटाबेस है, टोटल चीज़ें आप लोग जो है मुझे सौंपा कीजिए, जो भी है उसके बाद हम यहाँ से जो भी निर्णय लेना होगा वो सरकार लेगी। देखिए मैं 14 तारीख के डेट में एक वीडियो बना करके आप लोग को बताया हुआ था कि राजस्थान से 4 माल गोदाम का जो भी डाटा है वो कम्प्लीट हो चुका है और जो भी सीनियर अधिकारी हैं, जो भी ठेकेदार हैं वो जो है वहाँ के जो भी वरिष्ठ अधिकारी है उनको यहाँ पे सौंप दिया गया है। देखिए धीरे धीरे यहाँ पे काम हो रहा है, लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि यहाँ पे दिसंबर तक जो भी है खुशखबरी मिलने की, तो भाई साहब देखिए भगवान करें आप लोगों की जो भी ज्वाइनिंग प्रक्रिया हो आप लोगों को जल्द से जल्द हो जाए। लेकिन फ्रेंड्स देखिए इसमें भी थोड़ा सा डिले हो सकता है क्योंकि फ्रेंड्स अभी जो है इतना स्लो मोशन में, इतना स्लो यहाँ पे जो डाटाबेस तैयार करके और यहाँ पे भेजा जा रहा है। लेकिन फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे मनोरंजन सर के द्वारा ये भी बताया जा रहा है कि नवंबर तक, जी हाँ फ्रेंड्स नवंबर तक जो है जो भी राष्ट्रव्यापी दौरा है वो यहाँ पे समाप्त हो जाएगा। तो देखिए अगर समाप्त हो जाता है उसके बाद महासम्मेलन का आगाज़ किया जाएगा, उसके बाद जो भी है आगे की प्रक्रिया होने वाली है। आशा है कि फ्रेंड्स मैं यहाँ पे जो भी बातें करना चाहता हूँ, जो भी आपको बताने चाहता हूँ आप लोग बहुत ही सिंपल तरीके से समझ चुके होंगे। तो फ्रेंड्स हम लोग को इंतज़ार करना है सभी डाटा बेस जो है सरकार के पास कब जाती है, सरकार के पास जाती है, और एक और इंतज़ार करना है कि कब जो है राष्ट्रव्यापी दौरा समाप्त होता है। दो चीज़ें हम लोग यहाँ पे इंतजार करना है, राष्ट्रव्यापी दौरा अगर समाप्त हो जाता है उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे महासम्मेलन का आगाज़ किया जाएगा। महासम्मेलन अगर जैसे ही समाप्त होता है उसके बाद डाटा भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया रहेगा, जो भी फ्रेंड्स यहाँ पे कोई भी प्रक्रिया क्यों ना हो वो यहाँ पे होने की संभावना यहाँ पे दिखाई दे रहा है। फ्रेंड्स देखिए आप लोग जो किसी पर कोई भी बहकाव में नहीं आइएगा, आप लोग पैसा वगैरह कहीं भी नहीं दीजिएगा। कल के डेट में यानी कि 16 अक्टूबर को जो है मैंने एक वीडियो बना करके बताया हुआ था कि बहुत से लोग यहाँ पे पैसा के चलते जो है फंस चुके थे, जिसके कारण जो है वो उत्तर प्रदेश के जो भी कार्यालय है उसमें पहुँचे हुए थे कि भाई साहब मेरा पैसा इतना इतना बर्बाद हो चुका है। तो खुद जो है मनोरंजन सर फ़ोन पर बात किए हुए थे, उन लोगों को समझाया बुझाया था और वे आश्वासन दिए थे कि मैं आप लोगों के साथ हूँ, पूरे भविष्य में आप लोगों को चिंता करने की बात नहीं है। और फ्रेंड्स जो भी है टोटल चीज़ें उन लोगों को समझा बुझा करके और उनको भेजा गया था। तो फ्रेंड्स सिंपल सा बात यह है कि आप लोग पैसा अगर दीजिएगा तो खुद यहाँ पे फंस जाइएगा और फिर आप लोग ज्वाइनिंग के नाम पर आप लोगों को यहाँ पे पैसा ठग लिया जाएगा, और अगर ज्वाइनिंग होने वाली होगी तो फिर आप लोगों को टोटल चीज़ यहाँ पे टोटल चीज़ फ्रेंड्स यहाँ पे डिजिटली हो गया है। मैं भी आप लोगों को टोटल चीज़ें छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी कोई भी न्यूज़ हो आप लोग समझ पहुँचाने का कोशिश करते रहता हूँ। और फ्रेंड्स जो भी है मनोरंजन सर भी अगर कोई भी काम करते हैं तो या तो ऑफिशियल साइट पर या फ्रेंड्स फेसबुक के माध्यम से किसी पर कोई भी यहाँ पे आप लोगों के समक्ष पहुँचते रहता है। तो फिर देखिए ये कोई छुपाने वाली बात नहीं है, अगर ज्वाइनिंग होती है तो सब किसी को पता चलेगा, तो आप लोगों को पैसा वगैरह कहीं भी नहीं देना है। चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं फिर से किसी अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइएगा। चलिए मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद जय भारत।